व्लॉग तो एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। अभी हम बना रहे हैं पकौड़े, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं पकौड़े कैसे बनाती हूँ। मैंने आलू ले लिए, ये मैंने बारीक बारीक काटे हैं और धोए हैं, तो ये डाल दिए मैंने पकौड़े, ये सॉरी आलू। इसमें डाल दीजिए प्याज, पर मेरा पैन ज़्यादा छोटा है, पकौड़े की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि पकौड़ा पार्टी चलेगी अभी। ये तो इसी से फुल हो गया। चलो मैं पैन चेंज करती हूँ। मेरा पैन छोटा हो गया था क्योंकि पकौड़े की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये ले लिया मैंने प्याज और आलू, इसमें डाल दो हरा धनिया, हरी मिर्च, धनिया, और आप इसमें थोड़ा सा हींग भी डालो, टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़ी सी अजवाइन, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और अब डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे भी काफी अच्छी खुशबू आ जाएगी। और अब इन सब को करना है मिक्स। तो मिक्स पहले मैं ऐसे ही करूँगी, हाथ से ही करूँगी, आप चाहे तो चम्मच से कर लेना। मैं हाथ से इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे नाखून बड़े नहीं हैं, अगर नाखून बड़े होते तो मैं चम्मच यूज़ करती। तो इस चीज़ को मैंने प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। डालती हूँ बेसन, मैंने एक कटोरी बेसन लिया है फिलहाल, क्योंकि बेसन ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर बेसन का ही टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे हो मैं इतने सारे पकौड़े क्यों बना रही हूँ, तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दी के घर गई थी, मतलब उनके रूम गई थी, उन्होंने पाव भाजी खिलाई थी। तो अब मैं आज मैंने सोचा था कि कुछ मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने पकौड़े सोचा कि चलो बाहर मौसम भी अच्छा है और फिर मैं पकौड़े बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेगा क्योंकि बेसन सिर्फ उसके लिए था कि वो नॉर्मली स्टिक हो जाए। दीवार आ गई है शायद, थोड़ा सा बेसन और ऐड करूंगी। और बोबो ठीक ही, मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करा क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो रहा था, और ज्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना है क्योंकि फिर बेसन का ही टेस्ट ज्यादा आता है। तो अब शायद ठीक हो गया है, हाँ काफ़ी अच्छा है। और इसमें पानी मैंने अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि प्याज और आलू है, इनसे अच्छा खासा पानी होता है ऑलरेडी मेन में, तो बस मैं अब थोड़ा सा यूज़ करूँगी पानी, इतना सा, ताकि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए।
आप लोग मेरी परात देख के डरना मत, क्योंकि मैंने ज़्यादा बना दी है, क्योंकि अब 4-5 लोग बैठेंगे खाने, तो इतना तो हो गई। निहारा हो चुका है और अब मैं ऑयल गर्म करती हूँ, फिर मैंने इनको तलना है। मीठी आंच पे मेरे पकौड़े तल रहे हैं आराम से, और जो आपने ये मिक्सचर बनाया हुआ है उसको मिलाते रहना बार बार, क्योंकि फिर मतलब बेसन नीचे नीचे जाता रहेगा, फिर आप सिर्फ आलू और प्याज का ही टेस्ट आएगा, हर एक चीज प्रॉपर। देखने में तो पकौड़े काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे, ये मेरे फाइनली पकौड़े बन चुके हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे पकौड़े कैसे लगे आपको मेरे पकौड़ों की रेसिपी, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और